हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जिस ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो को देखा, दोस्तों आज मैं आपको कुछ इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, आप यहाँ पर अपने खुद के फ़ोटो से कुछ इस तरह की स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने खुद के फ़ोटो से कुछ इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप लोग देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कानमास्टर ऐप की लिंक मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके कानमास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद कानमास्टर ऐप को ओपन करना है। कानमास्टर ऐप ओपन करते ही गाइस, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। तो आपको वीडियो को बनाने के लिए पर्सनल ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको नॉन रेसो 60 की साइज को सिलेक्ट करना है। गाइस, आपको लेफ्ट साइड में एक सेटिंग वाला आइकन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एडिटिंग वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको गाइस नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है फिल स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपको यहां से उस फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो यहां से हम इसमें वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से गाइस आपको भी 15-20 वॉलपेपरों को या फोटोओं को सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने वॉलपेपरों को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट होने के बाद आपको फर्स्ट पोजिशन पर आ जाना है, लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको एक ब्लैक स्क्रीन साउंड वीडियो को इसमें सेलेक्ट करना है। गाइस, इस वीडियो को बनाने में जो भी वीडियो इफेक्ट साउंड यूज हो गए, आपको इन सभी का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियो इफेक्ट और साउंड को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से गाइस आपको ब्लैक स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इस वीडियो का साउंड यहाँ पर निकाल लेना है। तो आपको इस वीडियो का साउंड निकालने के लिए आपको यहाँ से नीचे जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एस्ट्रैक आइडो, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं ब्लैक स्क्रीन वीडियो का साउंड निकल कर आ चुका है। अब गाइस आपको इस ब्लैक स्क्रीन वीडियो को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिल रहा है डिलीट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी ब्लैक स्क्रीन वीडियो डिलीट हो जाएगी। अब गाइस आपको वॉलपेपर की लेयर को इस तरह से जूम करना है। इस तरह से आपको वॉलपेपर की लेयर को जूम करना है। जूम होने के बाद गाइस आपका ये ज़्यादा साउंड जहाँ से आ रहा है, यहाँ से आपको वॉलपेपर को कट करना है। तो फर्स्ट वाले वॉलपेपर को हम यहाँ से कट कर देंगे। तो गाइस आपका जो नीचे साउंड है, इस पर देख के आपको वॉलपेपर को कट करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ से साउंड ज़्यादा आ रहा है, यहाँ से हम वॉलपेपर को कट करेंगे। कट करने के लिए आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको कैची वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट टू पेड पर क्लिक करना है। इस तरह से वॉलपेपर को आपको कट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। अब गाइस आपको वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। अब यहाँ से गाइस यहाँ से आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद कैची वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट टू पेड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा वॉलपेपर कट हो जाएगा। इस तरह से गाइस आपको साउंड में देख कर वॉलपेपर को कट करना है। तो चलिए हम वॉलपेपरों को कट करते हैं। इस तरह से गाइस आपको शुरू में 5 वॉलपेपरों को कट कर लेना है। इस तरह से आपको कट करना है। अब गाइस हमारा जो साउंड छोटा छोटा आ रहा है, यहाँ से आपको वॉलपेपर को कट कर लेना है। तो इस तरह से वॉलपेपर को आपको कट करते जाना है। इस तरह से गाइस आपको छोटे वॉलपेपरों को कट कर लेना है। तो गाइस आपको साउंड में देखते जाना है और वॉलपेपर को कट करते जाना है। गाइस आपको भी इसी तरह से साउंड के हिसाब से वॉलपेपर को सेट करना है। अब गाइस आपको फर्स्ट पोजीशन पर आ जाना है, फर्स्ट वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है क्लिप गैप, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको नीचे चले जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा गेट मोर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके सामने बहुत सारे क्लिप गैप्स आ जाएंगे। तो गाइस आपको यहाँ से इन एमिनेशन वाले क्लिप गैप्स को डाउनलोड करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पर इन एमिनेशन वाला क्लिप गैप्स देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। गाइस आपको राइट साइड में डाउनलोड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ से हमें बैक आना है। गाइस आपको इन एमिनेशन वाले क्लिप गैप्स पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से गाइस आपको इसमें सेकंड नंबर वाले क्लिप गैप्स को लगा देना है। इस तरह से यहाँ से गाइस आपको इसको डन कर देना है। सेकंड वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक
इन एमिनेशन वाले क्लिप ग्रैपर्स पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इस समय नाइन वाले क्लिप ग्रैपर्स को लगा देना है। इस तरह से यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो गाइस आपको इसी तरह से पांच वाले पेपरों में इस तरह से लगा देना है। तो गाइस आपको तीसरे वाले पेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद क्लिप ग्रैपर्स पर क्लिक करना है। इन एमिनेशन वाले क्लिप ग्रैपर्स पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको सेकंड नंबर वाले क्लिप ग्रैपर्स को इसमें लगा देना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। इस तरह से गाइस आपको क्लिप ग्रैपर्स को इसमें लगाना है। तो इस तरह से गाइस आपको वाल पेपरों में क्लिप ग्रैपर्स को लगा देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने पांच वाल पेपरों में इस तरह से लगा दिया है। अब आपको यहां से इसको डन करना है। अब गाइस आपको छठे वाल पेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको क्लिप ग्रैपर्स पर क्लिक करना है। यहां से आपको इन एमिनेशन वाले क्लिप ग्रैपर्स पर क्लिक करना है। इस समय गाइस आपको लास्ट वाले क्लिप ग्रैपर्स को लगा देना है। इस तरह से गाइस आपको सभी वाल पेपर में लास्ट वाले क्लिप ग्रैपर्स को लगाते जाना है। चलिए हम सभी वाल पेपरों में लास्ट वाले क्लिप ग्रैपर्स को लगा देते हैं। इस तरह से गाइस आपको सभी वाल पेपर में लगाते जाना है। चलिए हम जल्दी से सभी वाल पेपर में लास्ट वाले क्लिप ग्रैपर्स को लगा देते हैं। गाइस आप देख सकते हैं मैंने सभी वाल पेपर में लास्ट वाले क्लिप ग्रैपर्स को लगा दिया है। इसी तरह से आपको लगा देना है। अब गाइस आपको फर्स्ट पोजीशन पर आ जाना है। गाइस आपको वाल पेपर की लेयर को जूम आउट करना है। इस तरह से आपको वाल पेपर की लेयर को जूम आउट करना है। फर्स्ट पोजीशन पर आ जाना है। लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसमें एक इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। आपको इस वीडियो को खींचकर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा लेना है। यहाँ से गाइस आपको नीचे चले जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इसको डन करना है। फिर से लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसमें एक और इफेक्ट वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको खींचकर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा लेना है। यहाँ से आपको नीचे चले जाना है। नीचे का ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको स्क्रीन वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इसको डन करना है। गाइस आपको लास्ट बार लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसमें एक बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको बॉक्स वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके बॉर्डर लाइन फुल स्क्रीन में लग जाएगी। आपको बॉर्डर लाइन की लेयर को खींचकर वीडियो को लेयर के बराबर कर देना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। तो गाइस आपको वीडियो की एक्स्ट्रा लेयर को पीछे से कट करना है। कट करने के लिए गाइस आपको एक्स्ट्रा लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कैची वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट टू बेड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी एक्स्ट्रा लेयर पीछे से कट हो जाएगी। इस तरह से गाइस आपको एक्स्ट्रा लेयर को पीछे से कट कर लेना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो चलिए हम सभी एक्स्ट्रा लेयर को पीछे से कट कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। गाइस आपको वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से अपनी फोटो लगाकर या किसी वॉलपेपर को लगाकर न्यू ट्रेंडिंग व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।